क्या ढूंढ रही हो अक्का? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, क्योंकि मुरली की धुन सिर्फ मुरली से सुनाई देती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। और मैं क्या, मैं दावा करती हूँ तेरे किसी भी भक्त ने नहीं सुनी होगी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी, तो या तो वो तुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर तुझसे डर कर झूठ बोल रहे हैं। तेरे बारे में जितना जानना था उतना जान चुकी, अब जाती हूँ मैं। आज मेरा मक्खन चुरा के खा रहा है, आज तुझे दंड दे के रहूंगा। आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। उस दिन सरकार को पत्थर मारा और आज मेरा मक्खन खा गया। ए दुष्ट, क्या कर रहा है? बच्चे को मार रहा है। हट हट, अरे किसी मार के रखा इसे? कौन मार रहा था इसे? ये अभी अभी यहाँ था, भाग गया। आप लोगों ने नहीं देखा? अरे तुम तो वही थे दुकान में, तुमने तो देखा होगा ना। कौन था वो? देखो किस तरह बात कर मार रहा था इस बच्चे को। तुम लोग कुछ कर भी नहीं रहे थे। ठीक है ना तू? हाँ देखा, इस बच्चे के हाथ में कितनी चोट आई है, रस्सी के निशान आए हैं इसके हाथों में। ये सब तेरी वजह से हुआ है साई। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो ध्यान रखना सीखो ना। इतनी लापरवाही, कितना दर्द हो रहा होगा इसे। पर ये तो मुस्कुरा रहा है। ये जो महसूस कर रहा है उसका एहसास भी इतना खूबसूरत है। ये दर्द भी मुस्कुराने की वजह बन गया है। इसे रखो अपने पास और ध्यान रखना इसका। चलो भाई साहब।
पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। पता है साई, वो लोग मुझे पागल कह रहे थे। वो लोग आपको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि क्योंकि तुम अंतर्मन से हृदय से पुकारते हो मुझे, और वो मुझे दिल से नहीं पुकारते, इसलिए इसलिए मैं उन्हें नजर नहीं आता। केशव दूसरे बच्चों की तरह साहसी, निडर और शक्तिशाली नहीं है साईं। उसे वहां अगर कोई परेशान कर रहा होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। किसने कहा कि केशव में साहस नहीं है? उसमें शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति है। क्योंकि शक्ति कई तरह की होती है, आस्था भी तो एक शक्ति है। केशव के हृदय में आस्था भरी है और वही आस्था उसे उन परिस्थितियों में शक्ति देती है जिन परिस्थितियों में बलवान व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। जिन्हें औलाद नसीब नहीं है उन्हें क्यों नहीं दी संतान? जो दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई वो तो याद है, लेकिन उसने जो बिना मांगे दे दिया वो याद नहीं। सच तो ये है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, ये स्वस्थ देह है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। इतना प्रेम करने वाला परिवार है आपके पास, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मैं ही क्यों? तो क्या तू ये कहना चाहता है कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके प्रति मैंने कृतज्ञता प्रकट नहीं की, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? नहीं, उसका दिल मनुष्य की तरह छोटा नहीं है कि केवल धन्यवाद ना कहने से वो किसी को दुख पहुंचाए। वो तो करुणा का स्रोत है। तो फिर तेरे इस करुणा के स्रोत ने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया? क्या योजना है उसकी इसके लिए कि वो जीवन भर किसी का आश्रित बनकर बना रहे, किसी पर निर्भर रहे? वारे, क्या इसी को तुम करुणा कहते हो? करुणा है, बिल्कुल है। इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान। करुणा है, बिल्कुल है। इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान।
मैं जा रही हूँ, रुक्मिणी, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। साई, मुझे भी जाना होगा, मैं भी चलती हूँ। जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। इसे घर ले जाकर पढ़िएगा। मैं तेल लगाकर कंघी करती हूँ अच्छे से। भागना मत, यहीं पे रुकना। तात्या देखना उसे भाग ना पाए। लो, अच्छे से तेल लगाकर बालों में कंघी कर देती हूँ। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो मेरे शंकर की है। ये तो वही तेल है ना जो आप शंकर काका के बालों में लगाती थी। सत्तू को ये खिलौने बहुत पसंद आएंगे। चलिए ना आते हैं भाई, उसे अभी ले आते हैं हम। हाँ। साई, साई, साई मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरा दोस्त बीमार है। मक्खन खाने का बड़ा शौक है ना तुझे, खा बेटा खा। तेज बहुत है आपकी पंता जी, माखन में मिलाई हुई घोषी की दवा अपना काम करेगी, फिर ना ही इस पागल के पत्थर मारने का डर और ना ही चीखना चिल्लाना। वाह पंता जी वाह। रुक जाओ।
इस बोरे में क्या है? ये कहां से आया पंता जी? कहां है साहब? साहब नहीं था तो फिर क्या है बोरी में? ये तो सत्तू की आवाज है। ये सत्तू, अरे बच्चे को, अरे बच्चे को बोरी में बांध के रखा था। सत्तू इसके साथ बोल, क्या कर रहे थे इसके साथ? ये बहुत खतरनाक है, इसे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। सबको पत्थर मारते रहता है ये। कुलकर्णी सरकार पर पत्थर फेंका था इसने, जानलेवा हमला किया था। ये है वो बेटा, जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा बत्तर निकला। ना तो अपनी नाक साफ कर सकता है, ना ही अपना ख्याल रख सकता है। ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा, हमारी सारी संपत्ति का स्वामी। देखो कैसे जानवरों की तरह गुर्रा रहा है। क्योंकि ये बोल नहीं सकता, इसे जानवर कह रहे हो? ऐसा तो सिर्फ वही सोच सकता है जो खुद जानवर हो। यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अब तो सत्तू ही मेरा बेटा है ना? बहुत जल्द सरकारी दफ्तर में इसका पंजीकरण करने वाली हूँ मैं। अरे ओ मेरा न्याय देखना चाहती थी ना सुहासिनी जी, आप चौराहे पर। आज दिखाता हूँ मैं मेरा न्याय क्या है। आपको सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी स्वयं यहां आने वाले हैं। आप चलिए मेरे साथ, आगे जो भी कुछ होगा वो ये स्वयं देख लेंगे। हरिओम। आपने अभी भी साई को पूरी तरह माना नहीं है आत्या भाई। एक बार साई पर पूरा विश्वास करके तो देखिए, खुद को समर्पण करके देखिए, उसे एक बार पुकार के तो देखिए, वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। साई, सत्तू कहाँ चला गया? उसे उसकी माँ मिल गई है। ठीक हो जाएगा। माँ के प्यार में, उसकी ममता में बहुत शक्ति होती है। अब वो जरूर ठीक हो जाएगा। वैनी के हिस्से की 100 एकड़ की जमीन क्या हमें मिल पाएगी? अरियो, यदि मुझे लगता नहीं तो तुम लोगों को यहां क्यों बुलाता? तुम्हारे वैनी ने मेरे विरुद्ध बोल के अच्छा नहीं किया। उसे क्या लगा वो शिरडी में नहीं रहती है तो मेरे प्रकोप से बच जाएगी वो?
शाम तक मेरे पैरों में होगी वो गिड़गिड़ाती हुई। और याद है ना हमारा समझौता? हाँ सरकार, 100 एकड़ में से 25 एकड़ जमीन आपकी होगी। यदि आप वाइनी को बेदखल करने में कामयाब हो गए तो। कब तक वहनी की गुलामी करते रहेंगे? मौका मिला है तो भुना लेना चाहिए। कुछ हाथ ना आने से तो अच्छा है कि 25 एकड़ देकर बात बन जाए। तो कुलकर्णी सरकार ने ही आपके देवरों को बुलाया है, पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। सुहासनी, अपने देवरों को बुला लो, मिल बैठ के बात कर लो। घर का मामला है, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। नहीं वहनी, बात सिर्फ धन दौलत की नहीं है, मान सम्मान की है। अगर वो लोग रिश्ते का मान रखते, मुझसे कुछ भी मांगते, तो मैं मेरे और सत्तू के गुजारे के लिए जमीन रखकर बाकी सारी जायदाद उनको दे देती। आपने तो कहा था शाम होते होते वहनी आपके पैरों में होंगी, वो तो इस फकीर के पैरों में पड़ी हुई है। वैसे ये फकीर है कौन और इसने गांव की सारी औरतों को यहाँ इकट्ठा कैसे कर लिया, वो भी आपके विरुद्ध? ये बच्चा यहाँ कुछ समय से है, इसलिए यहाँ की औरतों ने इसे देखा है, इसे जानती है। ये यहाँ विद्रोही के रूप में नहीं बल्कि मां के रूप में आई है। आपको लगता है कि यह बच्चा पागल है, इसलिए इसे यहां समाज में सबके बीच नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि यह बच्चा पागल नहीं बल्कि अलग है। उसे मां की ममता, समाज की समझ, स्वीकृति और सब्र की जरूरत है। उसका इलाज है प्रेम, जो कि उसे मिल भी रहा है यहाँ, और इसका असर उस पर साफ नजर भी आ रहा है। तो फिर इस बच्चे के बुद्धि की जांच करते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा कि ये यहाँ रहने के लायक है या नहीं। अरे ओ, जो बच्चा बोल नहीं सकता, मंद बुद्धि है, उसकी परीक्षा लेकर आप हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई भी परीक्षा। मैं तुम्हारे मापदंड से अपने बेटे का मूल्य नहीं करूंगी। लाए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, मेरा समय बर्बाद मत किया करो। रुको, साबाश, अब तो सब कुछ धीरे धीरे सीख रहा है। क्या हुआ माँ? मेरे कंगन खो गए बेटा। कहाँ जाएंगे, यही होंगे। देखिए आप घबराइए मत, ढूंढी यही कहीं गिरे होंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.